आप सब फ्रेंड, मैं झारखंड की चांदनी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। कल तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, वैसे आज भी सुबह में बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन अभी धूप निकला है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँ। मैं आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ, खाने में कढ़ी और चावल बनाऊँगी आज मैं। तो मैंने चावल बैठा दिया है गैस पे, मैं कढ़ी बनाने की तैयारियां कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चने की दाल भिगो दिया था सुबह ही, क्योंकि चने की दाल फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाता है। और इसे मैं पीसूँगी मिक्सर में, पीस कर इसका पेस्ट बना लूँगी। मैं डाल रही हूँ मिक्सर में और इससे मैं पीसूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी कि ये पीस कर कैसा तैयार होता है। और इसमें मैं कुछ और भी चीज़ डालने वाली हूँ। ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बेसन के कढ़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दाल की कढ़ी, तो आप सब प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस गिलास से मैं 4 गिलास मट्ठा ली हूँ। मैंने मट्ठे को दही को मह लिया था और मह कर मट्ठा बना लिया था, उसे तैयार कर लिया था। तो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, इसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ भी डाली है और 2-3 हरी मिर्च, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि बच्चे भी अच्छे से खा सकें। तो आइए, मैं अब दाल को पीस कर इसका पेस्ट बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आप सब प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और खाने में कैसी लगी, क्योंकि मैं तो हमेशा दाल का ही बनाती हूँ, कभी कभी बेसन का बनाती हूँ। दाल का ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो। तो मैंने मिक्सर में दाल को डाल दिया है और मैं इसे पीस रही हूँ। पीसने के बाद मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। देखिए, मैंने दाल को पीस लिया है और पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं मट्ठे की तैयारियां करती हूँ, मट्ठे में क्या क्या मिलाऊंगी आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो चलिए, ये देखिए मट्ठा है, दही को मैंने मत लिया था और मत कर ये इसे मट्ठा बना लिया है। मैंने जो गिलास आप लोगों को दिखलाया था उससे मैंने 4 गिलास लिया है और पानी डालकर 4 गिलास कर लिया था, और स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक मिलाऊँगी, और उसके बाद मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और थोड़ी सी मिर्च पाउडर डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें मिर्च और लहसुन पीसा था, तो मैं ज़्यादा मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिलाकर और गैस पे बैठा देती हूँ। मैंने मट्ठे में सारी चीज़ें मिला दी है, अब मैं पकौड़ी का तैयारी करती हूँ। मैंने इसमें हल्दी पाउडर और नमक हल्का सा मिलाया है, क्योंकि मैंने मट्ठे में भी नमक मिला दिया था, तो मैं हल्का ही नमक मिलाऊंगी ताकि अच्छे से नमक मिल जाए, ज़्यादा तेज ना लगे नमक। तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसको मिलाऊंगी और गैस पे मैं बैठाने जा रही हूँ। जब तक ये उबलेगा तब तक मैं पकौड़ी बनाने की तैयारियाँ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने का भी टाइम हो रहा है। तो चावल तो अब तैयार ही हो चुका है लगभग, तो मैं अब कढ़ी की तैयारियां कर रही हूँ।
आइए दिखलाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी दाल को डालकर, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ मीठा मिलाया था, और थोड़ी सी दाल का जो पेस्ट है मैं कढ़ी में मिला दी हूँ। और कढ़ी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। ज़्यादा गाढ़ा कढ़ी भी खाने में कोई ख़ास नहीं लगता, लेकिन ये कढ़ी आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए आप लोग कि मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ। देखिए मैंने पकौड़ी तल लिया है और ये लगभग अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसे निकाल के रखती हूँ और बाकी के जो दाल के पेस्ट हैं मैं उन्हें भी अच्छे से पकौड़ी में तल लूँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि कैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। और देखिए कढ़ी अब लगभग तैयार ही हो चुका है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बस सब उबलने ही वाला है। इसमें जैसे ही उबाल आएगी थोड़ी देर ये सीझेगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा सीझता है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए कढ़ी अब उबलने ही वाला है। देखिए कढ़ी उबल रहा है और ये लगभग 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे उबाला है। पहले से भी ये उबला हुआ था, लेकिन अभी ज़्यादा थोड़ी देर उबालूँगी। और इसमें मैंने पकौड़ी डाल दिया है और पकौड़े डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट इसे उबालूँगी अच्छे से, ताकि ये मिल जाए कढ़ी में पकौड़े। और थोड़े पकौड़े मैं रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों को दाल की पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं सारे पकौड़े नहीं डाल रही हूँ, कुछ बचा के मैंने रख लिया है। और इसे मैं थोड़ी देर सीझने देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें छौंका लगाऊँगी। तो फिर आप लोगों को दिखलाती हूँ कि मैं छौंके में क्या क्या डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कढ़ी उबलने लगा है और ये बहुत ही अच्छे से सीझ चुका है। तो मैं अब गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है। और उसके बाद मैं छौंका लगाने की तैयारियाँ करती हूँ। तो मैं तेल गर्म करने जा रही हूँ कलछुल में। तेल मैंने डाल दिया है और इसमें मैं मेथी का दाना डालूँगी 8 से 10, और ये करी पत्ता है जो मैंने तोड़ा है, मैंने करी पत्ता का भी पौधा लगाया है, और हरी मिर्च है एक, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें मेथी के दाने डाल दूँगी और उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूँगी और फिर करी पत्ता डालूँगी। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद मैं छौंका लगाऊँगी। Thank you.
देखिए अब मैं छौंका लगाने जा रही हूँ और मैंने छौंका लगा दिया है और ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। देखिए आप लोग देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे खेल रहे हैं क्लास करने के बाद, तो अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चे खेल रहे हैं स्लाइम से और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मौसम बहुत ही अच्छा किया है तो मैं आज कढ़ी और चावल बना लूँ क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आइए आप सब भी मेरे साथ कढ़ी और चावल खाइए, मिलते हैं। बाय बाय।